हे गाइस, वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। और आज की वीडियो बहुत ही खास, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम जुपिटर को एक सन बना दें, या फिर जुपिटर को हम अपने सन से रिप्लेस कर दें। मतलब जितना बड़ा हमारा सन है, उतना ही बड़ा सन हम जुपिटर की जगह रख दें। क्या होगा हमारे सोलर सिस्टम को, क्या होगा हमारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को, मतलब हमारे प्लैनेट्स कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा हमारी अर्थ के साथ। सोच के कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी अमेजिंग है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो आज की वीडियो में हम दो पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। पहला तो हम जुपिटर को किसी भी तरीके से एक सन बनाएंगे, और सेकेंड चीज, जुपिटर की जगह हम अपने ही सन के बराबर एक दूसरे सन को ला के रख देंगे, और फिर जानेंगे कि क्या होगा हमारे सोलर सिस्टम के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सारे प्लैनेट्स को अगर हम एक जगह रख दें और उनके मास को अगर हम ट्वाइस कर दें, तो उतना मास होगा जितना बड़ा हमारे जुपिटर का है। अब जैसे कि हम सबको पता है, जो जुपिटर है वो एक गैस जाइंट है, मतलब उसके अंदर सरफेस नहीं है, वो एक गैस से बना प्लैनेट है। उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक सन के लिए जरूरी होती है, मतलब एक स्टार बनने के लिए जरूरी होती है, पर फिर भी वो स्टार नहीं है। पर ऐसा क्यों? अगर आपको नहीं पता कि सन कैसे बनते हैं, तो सन के बनने की एक बहुत ही छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। यहाँ पे सन का मतलब स्टार है। तो स्टार के बनने के लिए एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिससे कोई भी स्टार बनता है। अब जो हमारा जुपिटर है, उसके अंदर इतना मास नहीं है कि वो फ्यूजन रिएक्शन हो सके, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक स्टार के बनने के लिए। इसलिए जुपिटर जो प्लैनेट है वो अभी तक स्टार नहीं बना है, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा मास नहीं है एज नीडेड टू बिकम अ स्टार। लेकिन क्या हो कि अगर हम जुपिटर को इतना मास दे दें कि वो एक स्टार बन जाए? तो अगर हम जुपिटर को इतना ज्यादा मास देना चाहते हैं, तो हमें बस 79 और जुपिटर लगेंगे, और उन सबको क्रैश करना पड़ेगा आपस में, और उससे एक स्टार बन जाएगा हमारे सन के बराबर। पर जैसा आपको लग रहा होगा कि हमारा जो ऑर्बिट है, हमारे सोलर सिस्टम है, और हमारी जो अर्थ है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो क्यों, आगे सुनिए। अब अगर हम जुपिटर को इतना ज्यादा मास दे देंगे, तो वो इतना ज्यादा मैसिव हो जाएगा कि वो एक रेड ड्वार्फ में बन जाए। अब वो जो रेड ड्वार्फ होगा, वो सन के 0.03% भी नहीं होगा लाइट में, तो वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा हमारे सोलर सिस्टम को। वो हमारे सोलर सिस्टम के जो अदर प्लैनेट्स हैं, उनके ऑर्बिट को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, पर इतना ज्यादा चेंज नहीं करेगा कि जो प्लैनेट्स हैं वो बाहर निकल के भाग जाएं, या फिर हमारी अर्थ सन के ऑर्बिट में चक्कर लगाने की वजह कहीं और निकल के भाग जाए। और उसकी जो हीट होगी वो हमारे अर्थ को भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, पर थोड़ी सी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और वो हमारी अर्थ से कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन ये तो हमने जुपिटर को जबरदस्ती सन बनाया, जिसे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। पर क्या होगा अगर हम जुपिटर की जगह एक उतना ही बड़ा स्टार रख देते हैं जितना बड़ा हमारा सन है? अब इस केस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिंग चीजें होने वाली हैं। मैच हो रहा है इंटरेस्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग। तो अब हम आगे जानते हैं कि क्या होगा। अब जैसे ही हम जुपिटर की जगह अपना एक नया सन रखेंगे, तो जितने भी प्लैनेट्स होंगे हमारे सोलर सिस्टम में, वो कहेंगे हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं भैया, हमें नहीं रहना भैया। तो वो सारे प्लैनेट्स अपना ऑर्बिट छोड़ के इधर उधर चले जाएंगे, या फिर एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे। जहां तक बात रही हमारी अर्थ की, तो हमारी अर्थ के साथ जो भी होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारी अर्थ के साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमारी अर्थ किसी से टकरा जाए, या फिर जो दूसरा सन है उसके इतने पास चली जाए कि बस वो सन हमारी अर्थ को निगल ले, या फिर हमारी अर्थ भी कह दे नहीं 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 हमें नहीं रहना यहाँ पे, और वो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसे छोड़कर चली जाए, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और एक चीज हमारे अर्थ के साथ दोनों सिनेरियो में होगी, अगर हम जुपिटर को अपन एक स्टार बना दें, या फिर जुपिटर की जगह एक नया सन रख दें, हमारी अर्थ पे एस्ट्रॉइड्स की वर्षा होने लगेगी। क्योंकि अगर हम 79 जुपिटर्स को कोलाइड करेंगे, तो उससे जो एस्ट्रॉइड्स निकलेंगे, पत्थर निकलेंगे, वो हमारी अर्थ और अदर प्लैनेट्स पे जाएंगे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और जब दूसरे प्लैनेट्स कोलाइड करेंगे एक दूसरे में, तो उनके
के जो पत्थर कंकड़ एस्ट्रॉइड्स होंगे वो भी हमारी अर्थ पे ही आके गिरेंगे, तो जो भी होगा वो हमारी जान लेके रहेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वीडियो थी हमारी साइंस की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अगर आपको ये इमेजिनेशन और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाए, जिससे मैं अगली वीडियो डालूं ऐसे इंटरेस्टिंग तो आपको पता चल जाए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।